अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होते ही आम नागरिक तो क्या, सत्ता के शिखर पर बैठे राजनेता तक देश छोड़कर जाने को मजबूर है। इस बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ये हैं अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री सैयद अहमद शाह सआदत, जो कभी सूट बूट पहनकर चारों ओर सुरक्षा के घेरे में रहते थे, लेकिन हालात इतने बदले कि अब वो जर्मनी की सड़कों पर पिज्जा डिलीवरी का काम करते दिख रहे हैं। एक जर्मन पत्रकार ने अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री की फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। पत्रकार ने पूर्व मंत्री से बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान के हाल और अपने बारे में बताया। सैयद अहमद शाह सआदत पिछले साल के आखिरी में अपने पद से इस्तीफा देकर जर्मनी चले आए थे। मुल्क छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ समय अच्छे से बिताया, लेकिन जब पैसे खत्म होने लगे तो उन्हें जीवन यापन के लिए पिज्जा डिलीवरी का काम करना पड़ा। अल जजीरा अरबी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से अफगानिस्तान के पूर्व आईटी मंत्री की तस्वीरें ट्वीट की हैं। सैयद अहमद शाह सआदत 2018 में अफगान सरकार में संचार मंत्री बने और 2020 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने 2005 से 2013 तक संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्री के मुख्य तकनीकी सलाहकार सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था। 2016 से 2017 तक सआदत ने लंदन में एरियाना टेलीकॉम के सीईओ की जिम्मेदारी संभाली थी। इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद भी आज वो पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहे हैं। सैयद ने अपने देश छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि राष्ट्रपति अशरफ गनी की टीम और उनकी मांगों से सहमत नहीं होने की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। पूर्व अफगान मंत्री ने बताया कि उनके पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संचार और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 2 मास्टर डिग्री है। इसके अलावा उन्होंने 13 देशों की 20 से अधिक कंपनियों के साथ कम्युनिकेशन की फील्ड में काम किया है। अगर मैं पाकिस्तान का कोच बना तो बिल्कुल बताऊंगा, अभी क्या बताऊंगा। जब कंगना फिल्म में होती है तो कितने लोगों को दिक्कत होती है, ये आप खुद नोटिस कीजिए। मैं आपके तरह किताबें पढ़ के नहीं आता हूँ, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी महसूस करके।